वेलकम टू द राजश्री वेट लॉस जर्नी। और आज के मेरे लंच में सैलेड्स हैं, और सैलेड्स मैंने आज अनियन ही लिए हैं और कुकुम्बर है और नहीं लिया कुछ। साथ में मैंने दाल और सोयाबीन की बहुत टेस्टी दाल है, इसमें सारी दालें हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं। साथ में थोड़े से राइस हैं, राइस भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, थोड़ी ही क्वांटिटी में खाने चाहिए। और ये इतनी जल्दी बनी है, इतनी जल्दी फ्रेंड्स मैगी भी नहीं बनती। आइस स्वेयर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें मसूर की दाल और मूंग की दाल और हमारी धुली हुई दाल ले लेनी है, उन्हें अच्छी तरह से धो लेना है। फ्रेंड धोना हमें बहुत अच्छी तरह से है। और थोड़े से मैं सोयाबीन लूंगी, बहुत टेस्टी बनती है और हेल्थी भी होते हैं। और वेट लॉस जर्नी में जब मैं थी मैंने बहुत इसे खाया। एक मैं अनियन लूंगी, इसे मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है। और आज फ्रेंड्स मैं टाइमर लगा के आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना जल्दी खाना बनाती हूँ। और इस टाइमर को मैं अभी ऑन कर दूंगी। वो आपने एक ही अनियन, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ। और अनियन मैंने एक ही लिया है, उसे मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मैंने बारीक बारीक इसे कट कर लिया है। बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाने की आदत मुझे हो चुकी है। अब मैं जल्दी से अपने कुकर में मैंने थोड़ा सा ही, आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं लेती, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने ऑयल लिया है। गर्म होने पे इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। जीरा भुन चुका है, अब इसमें मैं अपने अनियंस डाल देती हूँ। अब इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और एक मैं इसके अंदर सिनेमन स्टिक तक ज़रूर डालती हूँ, और एक तेज पत्ता मैं पहले भूल गई थी मैं अब डाल रही हूँ। और जल्दी जल्दी हमें अपने टमाटर काट लेने। टमाटर का मैं छिलका उतार के ही काटती हूँ। अब मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। जितना ये गोल्डन ब्राउन होते हैं हम अपनी दालों और उनको अलग अलग धो लेते हैं। और टमाटोज भी हमारे उसके अंदर डाल देते हैं। और आप देख सकते हो अभी एक मिनट ही हुआ है, इन्हें मैंने अलग धोया है और इनको अलग मैंने धोया है। अब इन्हें अच्छी तरह से भून के हमें सबसे पहले इनके अंदर सोयाबीन डालनी है, दालों से भी पहले। ये अच्छी तरह से भून चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से इन्हें भूनना है। कच्चा बिल्कुल नहीं रखना फ्रेंड्स आपने, नहीं तो कच्चा कच्चा टेस्ट आता। मैंने इनके अंदर सोयाबीन डाल दी है और इसे भी हमने अच्छी तरह से मसालों से पहले भूनना है। और अब इसके अंदर मैं सिंपल घर के मसाले ही डालूंगी। हल्दी, थोड़ी सी हल्दी कम है, थोड़ी सी और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है। और ये स्पून छोटा ही है, हाफ मैंने इसके अंदर फैट कटर मसाला डाला है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्ट डाल सकते हो। मैंने 1.5 स्पून डाला है। और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाने की आदत ऐसी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में कम टाइम लगता है। और टाइमर भी हमारा चल रहा है और हाथ भी हमारे जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ये भून चुके थे, अब इसके अंदर मैं अपनी दाल डाल देती हूँ। और ये सारी दालें हैं, इनका बहुत हेल्दी रिजल्ट्स होते हैं। आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से खाना चाहिए। और वैसे भी फैमिली के लिए बहुत हेल्दी होते हैं ये। और अच्छी तरह से हमने अपनी दालों को और सोयाबीन को भून लेना है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुके हैं। और 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। साथ साथ में मैं अपने राइस की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने राइस धो लिए हैं और इसे भूनने के बाद ही इसमें पानी डालना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि साथ के साथ हमने दालें डाली और उसमें पानी डाल दो। अब मैं अपने राइस भी साथ के साथ बना लेती हूँ। मैं ज़रा सा ही आपका देख सकते हो घी लूँगी, और इस घी में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है। आप देख सकते हो मैं ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करती। एक तेज पत्ता, और अब इसमें हम अपने धुले हुए राइस डाल देंगे। राइस को भी हमें अच्छी तरह से भूनने के बाद ही पानी डालना है। अब इसमें पानी डाल देती हूँ, और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि तभी ये खिले खिले बनेंगे। मेरे दाल और राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मेरी किचन भी बिल्कुल क्लीन है। हाँ, ये बर्तन जिसमें मैंने अपने दाल और अनियन और टमाटोज किए थे वो ज़रूर है, साथ के साथ मैं इसे भी ज़रूर धोती हूँ। और यही मेरा सीक्रेट है कि मेरी किचन हमेशा क्लीन होती है। आप देख सकते हो दाल भी बन चुकी है, राइस भी बन चुके हैं, टाइमर अपना काम कर रहा है। और डिटॉक्स वाटर,
हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपने अपना डिटॉक्स वाटर हमेशा रखना है। आप देख सकते हो कितनी जल्दी मैंने खाना भी बना दिया और राइस भी बन चुके हैं। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स, खाना बनाना बहुत इजी होता है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं कुछ टाइम के बाद। आप देख सकते हो कितने खिले खिले बने हैं और दाल भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। लास्ट स्टेप, इसके अंदर मैं डालती हूँ कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ट्राई करके ज़रूर देखना। आप देख सकते हो मेरी प्लेट सज चुकी है और बहुत टेस्टी दाल बनी है। पर एक स्टेप बाकी है इसमें, मैं ज़रूर वो करती हूँ, वो है मेरा गुड फैट, देसी घी। फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर देसी घी डाला कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे इंस्टेंट दाल चावल की रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। और हमें ज़रूर सैलेड्स खाने चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हैव ए नाइस।